प्राय द्वीपीय क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई एक अन्य प्रजाति को 2001-13 है। सुलभ नाम से भी जाना गया इस प्रजाति में उच्च गुणवत्ता का गुड़ उत्पादन करने की क्षमता है। ये एक मध्यम देरी से पकने वाली प्रजाति है जो अति लोकप्रिय प्रजाति को 86032 के साथ गन्ना व चीनी उत्पादन में अच्छा मुकाबला करती है। ये प्रजाति 14.73 टन प्रति हेक्टेयर से CCS उत्पादन देती है, 108.6 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और इसके रस में 19.03% शर्कश पाई गई है। इस प्रजाति में 13.43% रेशों की मात्रा पाई जाती है। इसके गन्ने थोड़े लंबवत, मोम से लिप्त, गहरे बैंगनी, मध्यम मोटाई के तथा गोलाकार मोड़दार पोरियों वाले होते हैं। ये प्रजाति अधिक व्यांतों को पैदा करने वाली तथा अच्छी पेड़ियों के उत्पादन की क्षमता वाली है। ये सूखे व लवणताग्रस्त हालातों में अच्छा प्रदर्शन करती है। ये लाल सड़न और कड़वा रोग प्रतिरोधी है। इसे प्राकृतिक हालातों में हानिकारक जीवों रहित पाया जाता है। प्राय द्वीपीय क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई एक मध्यम देरी वाली प्रजाति को 2001-15 है। इस प्रजाति को लोकार्पित करने के लिए 2009 के दौरान अधिसूचित किया गया। ये को 2001-13 के समान लाल सड़न व स्मट रोग प्रतिरोधी है और पूरी भेदक रहित पाई जाती है। ये सूखे व लवणता के लिए सहनशील भी है। इसे A1 गुणवत्ता वाला गुड़ प्राप्त होता है। इसके गन्ने ऊंचे, लंबे, मध्यम मोटाई वाले, छत्र हल्का पाया जाता है। इस प्रजाति का औसत गन्ना उत्पादन 108.18 टन प्रति हेक्टेयर और 14.57 टन प्रति हेक्टेयर CCS उत्पादन है। इसके रस में 18.90% शर्कश पाई जाती है। इस प्रजाति में रेशों की मात्रा 14.70% पाई जाती है। इसने उत्तरी कर्नाटक में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। को 99006 एक उच्च शर्कश वाला कृंतक है जिसने 110.83 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन दर्ज किया है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के मूल्यांकन परीक्षणों में इस प्रजाति ने औसतन 116.4 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और 16.9 टन प्रति हेक्टेयर CCS उत्पादन दर्ज किया। ये उत्पादन साफ तौर पर को 86032 के मुकाबले बेहतर थे। तमिलनाडु में किए गए समन्वित सस्य वैज्ञानिक परीक्षणों में पौध व पेड़ी की फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। इन परीक्षणों में पौधा व पेड़ी फसलों के औसतन गन्ना उत्पादन के आंकड़े क्रमशः 156 और 139 टन प्रति हेक्टेयर थे, जबकि चीनी उत्पादन के आंकड़े क्रमशः 20.4 और 17.7 टन प्रति हेक्टेयर थे। को 99006 जल प्लावन, सूखा व लाल सड़न रोग प्रतिरोधी और एक अच्छी पेड़ी फसल देती है। इससे बनने वाला गुड़ उच्च गुणवत्ता वाला होता है।